हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदू रिलीजन एंड यूनिवर्सल नॉलेज पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में आम पन्ना के फायदे बताए थे, मैं आपको इस वीडियो में आम पन्ने की रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्रीडियंट्स के साथ। आम पन्ना बनाने के लिए आपको चाहिए एक कच्चा आम, जिसे कि कैरी भी कहते हैं, एक चम्मच भुना जीरा, एक चम्मच सूखा पुदीना, डेढ़ चम्मच काला नमक, आधी चम्मच नमक और 100 ग्राम चीनी। नमक, काला नमक और चीनी आप अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कच्चे आम को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और उसके बाद बॉईल करना है। आप अगर काटना ना चाहे तो आप डायरेक्टली पूरे आम को लेके उससे भी बॉईल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी कटिंग या फिर कुकिंग का काम है वो आपको अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में करना है। अगर आप छोटे हो तो आपको खुद से नहीं करना है। फ्रेंड्स, एक कच्ची कैरी को बॉईल करने के लिए मैंने एक गिलास पानी लिया है। तो आपको कच्ची कैरी को कुकर में डाल देना है। एक ग्लास पानी डालना है। फ्रेंड्स, आपको कुकर को हाई फ्लेम पर रखना है और 3 से 4 सीटी लेने के बाद गैस बंद कर देनी है। फ्रेंड्स, 4 सीटी हो गई है और अब हमने इसे गैस से उतार लिया है। अब हम इसकी लिड खोलेंगे। ये आपको अपनी मम्मी से ही करवाना है, खुद नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। तो आप देख सकते हैं ये बॉईल हो चुका है। अब हम इसे ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे। आप इसमें इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की हेल्प से, हैंड ब्लेंडर या फिर मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम इसे एक भगोने में खाली करेंगे और छन्नी से इसे छानेंगे ताकि जो भी पल्प हो वो ऊपर रह जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसे छान लिया है और अभी गर्म है, हम इसमें अभी चीनी डाल देंगे क्योंकि गर्म में हम चीनी आराम से मिला पाएंगे, आराम से अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसमें सारी चीनी एक साथ डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 2 ग्लास ठंडा पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर पानी डालने के बाद आपको आम पन्ना गाढ़ा लगे तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं क्योंकि आम पन्ना जब पतला होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। और एक कच्ची कैरी से हम 5 ग्लास आम पन्ना तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी डल चुका है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हमें कितने कितने मसाले डालने हैं, अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने भुना जीरा डाला था, अब हम इसमें पुदीना डालेंगे। काला नमक, अब हम इसमें डाल रहे हैं सादा नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप इसे टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको इसमें कुछ भी कम लग रहा है तो आप इसे अपने स्वाद अनुसार बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे आधे या फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है और अब आम पन्ना अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं एक ग्लास ले रही हूँ और आधा नींबू ले रही हूँ। अब हम ग्लास पे अच्छे से नींबू को लगाएंगे इस तरह से कि फ्रेंड्स, अब हमने इसमें नींबू लगा लिया है। और अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा सादा नमक, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी पीसी हुई चीनी का मिक्सचर बनाया है और हमने ग्लास पे नींबू लगा रखा है। अब हम अच्छे से ग्लास को डेकोरेट करेंगे इस तरह से।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा ग्लास डेकोरेट हो गया है। अब हम इसमें अपना आम पन्ना डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ग्लास में आम पन्ना डाल लिया है। अब हम गर्मी है तो इसलिए अब हम इसमें बर्फ डालेंगे। और फाइनली अब हम इसमें नींबू लगा के हमारा आम पन्ना रेडी है। तो फ्रेंड्स गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए आम पन्ना रेडी है। तो आप भी अपने पेरेंट्स के लिए आम पन्ना बनाए और उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाए। तो फ्रेंड्स ये मेरा आम पन्ना हो गया है रेडी। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बना है। वाओ ये बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स आप भी इसे जरूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय।